हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री कोर्स सिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पिछले 4 या 5 वर्षों में पूछा गया है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1760 AD, ऑप्शन बी है 1776 AD, ऑप्शन सी है 1782 AD और ऑप्शन डी है 1783 AD। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1776 AD। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिका मेक्सिको युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1847 AD, ऑप्शन बी है 1848 AD, ऑप्शन सी है 1849 AD, ऑप्शन डी है 1850 AD। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1848 AD। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? ऑप्शन ए है 1827 AD, ऑप्शन बी है 1828 AD, ऑप्शन सी है 1829 AD, ऑप्शन डी है 1830 AD। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1829 AD। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? ऑप्शन ए है जॉर्ज चतुर्थ, ऑप्शन बी है जॉर्ज द्वितीय, ऑप्शन सी है जॉर्ज तृतीय और ऑप्शन डी है जॉर्ज प्रथम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जॉर्ज तृतीय। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमेरिका के गृह युद्ध का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है दास प्रथा समाप्त करना, ऑप्शन बी है विदेशियों को बाहर निकालना, ऑप्शन सी है धार्मिक एकता और ऑप्शन डी है विदेशी संकट से बचाना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए दास प्रथा समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिंकन राष्ट्रपति कब बने थे? ऑप्शन ए 1865 AD, ऑप्शन बी 1860 AD, ऑप्शन सी 1855 AD और ऑप्शन डी है 1850 AD। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1860 AD। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अब्राहम लिंकन की हत्या हुई थी? ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1865, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल 1865, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1865 और ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1865। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1865। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमेरिका में गृह युद्ध का आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1860 AD में, ऑप्शन बी है 1861 AD में, ऑप्शन सी है 1862 AD में और ऑप्शन डी है 1859 AD में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1861 AD में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गृह युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए है एंड्रयू जैक्सन, ऑप्शन बी है जेम्स बुकानेन, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी है आर बी हेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी है थियोडोर रूजवेल्ट, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी है थॉमस जेफरसन। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि स्वतंत्र अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था वो था जॉर्ज वाशिंगटन, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1773 AD, ऑप्शन बी है 1774 AD, ऑप्शन सी है 1775 AD और ऑप्शन डी है 1776 AD। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा 1773 AD में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिकूनी की संधि हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन ए अमेरिका इंग्लैंड के मध्य, अमेरिका स्पेन के मध्य, ऑप्शन सी है डेनमार्क स्वीडन के मध्य, ऑप्शन डी है स्पेन फ्रांस के मध्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अमेरिका स्पेन के मध्य। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जैक्सन का संबंध किस पार्टी से था? ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक दल, ऑप्शन बी रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन सी विहिक दल, ऑप्शन डी नेशनल रिपब्लिकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक दल। क्वेश्चन 14 है, अमेरिका का गृह युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1860 AD, ऑप्शन बी है 1861 AD, ऑप्शन सी 1862 AD, ऑप्शन डी है 1859 AD। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1861 AD में। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रेंज संस्था संबंधित थी? ए है कृषकों की समस्याओं से, ऑप्शन बी है पूंजीपतियों की समस्याओं से, ऑप्शन सी है राजनीतिक नेताओं की समस्याओं से और ऑप्शन डी है न्यायाधीश की समस्याओं से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कृषकों की समस्याओं से। किसानों का एक संगठन था जिन्हें ग्रेंज संस्था के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाशिंगटन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1795 AD, ऑप्शन बी है 1798 AD, ऑप्शन सी है 1799 AD और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1799 AD। क्वेश्चन नंबर 17 है, फेडरल
जुडिशियल अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1791 AD, ऑप्शन बी है 1792 AD, ऑप्शन सी है 1793 AD और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। आपको अगर इसका डेट याद रखना है तो आप याद रख सकते हो 24 सितंबर 1789 में जो है फेडरल जुडिशियल अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1774 AD, ऑप्शन बी है 1778 AD, ऑप्शन सी है 1789 AD, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1789 AD। क्वेश्चन नंबर 19 है, अब्राहम लिंकन ने पुनर्निर्माण की योजना कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए 1863 AD, ऑप्शन बी 1864 AD, ऑप्शन सी 1865 AD, ऑप्शन डी 1866 AD। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1863 AD। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोलंबस ने अमेरिका का पता किस वर्ष लगाया था? ऑप्शन ए है 1491, ऑप्शन बी है 1492, ऑप्शन सी है 1493 और ऑप्शन डी है 1494। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1492। क्वेश्चन नंबर 21 है, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का राष्ट्रपति किस वर्ष बना था? ऑप्शन ए 1787, ऑप्शन बी 1788, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1790। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1789। क्वेश्चन नंबर 22 है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1760, ऑप्शन बी है 1776, ऑप्शन सी है 1782, ऑप्शन डी है 1783। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1776 AD। क्वेश्चन नंबर 23 है, अमेरिका में गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ए है 10 जनवरी 1861, बी है 9 अगस्त 1861, सी है 12 अप्रैल 1861 और डी है 22 दिसंबर 1861। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 अप्रैल 1861। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है 1789 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1790 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1791 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1792 ईस्वी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1791 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 25 है, वित्त विभाग के पद पर वाशिंगटन ने किसकी नियुक्ति की थी? ऑप्शन ए है जेफरसन, ऑप्शन बी है हैमिल्टन, ऑप्शन सी है हेनरी नॉक्स और ऑप्शन डी है एडम्स रेनलाफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कोलंबिया में एक राज्यव्यापी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए है 25 नवंबर 1833 ईस्वी, ऑप्शन बी है 19 नवंबर 1882 ईस्वी, ऑप्शन सी है 20 नवंबर 1834 ईस्वी और ऑप्शन डी है 21 नवंबर 1831 ईस्वी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 19 नवंबर 1882 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पेरिस के शांति संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1783 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1784 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1785 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1786 ईस्वी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1783 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 है, अमेरिकन गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है दास प्रथा को समाप्त करना, ऑप्शन बी है संविधान की रक्षा करना, ऑप्शन सी है अलगाववाद का विरोध करना और ऑप्शन डी है उत्तरी राज्यों की शक्ति में वृद्धि करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संविधान की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ऑप्शन ए है 4 मार्च 1861, ऑप्शन बी है 5 मार्च 1862, ऑप्शन सी है 6 जून 1864 और ऑप्शन डी है 7 मार्च 1872। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 4 मार्च 1861। क्वेश्चन नंबर 30 है कि अब्राहम लिंकन सर्वोच्च सेनापति के अधिकार से दास मुक्ति की घोषणा कब की? ऑप्शन ए है 24 दिसंबर 1865, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर 1862, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर 1861। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर 1862। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लिंकन की हत्या कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए व्हाइट हाउस में, ऑप्शन बी थिएटर में, ऑप्शन सी कांग्रेस में, ऑप्शन डी कार्यालय में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थिएटर में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 32 है, अब्राहम लिंकन के घोषणा के अनुसार दास प्रथा को कब स्वतंत्र किया गया? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1863, ऑप्शन बी है 2 फरवरी 1864, ऑप्शन सी है 5 जनवरी 1866 और ऑप्शन डी है 6 फरवरी 1865। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1 जनवरी 1863। क्वेश्चन नंबर 33 है, लिंकन के मृत्यु के पश्चात अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पूर्व जॉनसन किस पद पर रहा था? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है सीनेट का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 34 है, महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति जॉनसन का साथ किसने दिया था? ए है जॉन बूथ, बी है अब्राहम लिंकन, सी है स्टीवेंस और डी है रोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रोस। क्वेश्चन नंबर 35 है, जॉर्ज वाशिंगटन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 फरवरी 1732 ईस्वी, ऑप्शन बी जो है 15 फरवरी 1735 ईस्वी, ऑप्शन सी जो है 17 फरवरी 1736 ईस्वी और ऑप्शन डी है 11 फरवरी 1740 ईस्वी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर 17335 है, तो यहाँ आपको सुधार लेना है, यहाँ पर जो होगा वो होगा 1735। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 11 फरवरी 1732 ईस्वी में। क्वेश्चन 36 है, 1892 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी रहा? ऑप्शन ए है ग्रोवर क्लीवलैंड, ऑप्शन बी है जेम्स जी फील्ड, ऑप्शन सी है जेम्स बी बीबर, ऑप्शन डी है केली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्रोवर क्लीवलैंड। क्वेश्चन नंबर 37 है, केली ने ग्रेंज की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1867 ईस्वी, ऑप्शन बी 1868 ईस्वी, ऑप्शन सी 1869 ईस्वी और ऑप्शन डी 1870 ईस्वी। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1867 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन अमेरिका के स्वाधीनता आंदोलन का नेता नहीं था? ऑप्शन ए है जेफरसन था, ऑप्शन बी है वाशिंगटन ये भी था, ऑप्शन सी है पीट ये नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीट। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमेरिका में दक्षिण राज्य दास प्रथा के समर्थक थे, इसका क्या कारण था? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन डी मानवीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 40 है, और ये आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, कि परिसंघ की सेनाओं ने समटर के किले पर बमबारी शुरू की थी। ऑप्शन ए 4 मार्च 1861, ऑप्शन बी 2 अप्रैल 1862, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1861, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1863। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1861 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।